फ्रेंड्स, मेरा नाम रणविजय सिंह है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कॉन्फ़िगर वॉइप इन सिस्को पैकेट रिसेप्टर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, मैंने यहाँ पे एक सिस्को पैकेट रिसेप्टर में सेटअप कर रखा है। वॉइप क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कॉलिंग चलाएंगे। तो जो मैंने सेटअप कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक राउटर है जो कि 2811 सीरीज का है, एक मेरे पास स्विच है और यहाँ पे मैंने नीचे 3 IP फोन्स लगा रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा इंटरफेस FA फास्ट इथरनेट पोर्ट है मैंने उसको IP दे रखा है। ये जो 20.0.0.0 मैंने लिखा है, ये मैं नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने राउटर पे जाता हूँ और राउटर पे जाने के बाद मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन एक बार दिखा देता हूँ। तो डू शो रन करके हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक जो मेरा फास्ट इथरनेट पोर्ट है 0/0, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी को ही IP दे रखा है और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम जाएंगे सबसे पहले DHCP में। तो DHCP सर्विस ऑन करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे IP DHCP पूल और पूल का नाम सच, और उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेटवर्क। तो मेरे नेटवर्क कौन सा है? 20.0.0.0, उसके साथ उसका सबनेट मास्क जो कि है ये, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर जो कि है 20.0.0.1, और DNS सर्वर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो वो मैं लिख देता हूँ 1.1.1.1। और उसके बाद अब यहाँ पे आपने, ये तो आपकी कंप्लीट कमांड्स होगी DHCP की, लेकिन इस कमांड में आपने एक कमांड और जोड़नी है जो है ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन के बाद आपने क्या लिखना है? कोड, DHCP ऑप्शन कोड। तो ऑप्शन कोड जो टेलीफोनी सर्विस के लिए, वॉइप के लिए होता है, वो होता है 150। और इसके बाद आपने लिखना है IP। तो IP लिखने के बाद अब आप IP एड्रेस सेट करेंगे। तो मैं अपना फास्ट इथरनेट पोर्ट का IP दे देता हूँ जो कि है 20.0.0.1। तो जो मेरी कंप्लीट कमांड है वो है ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन के बाद उसका IP कोड जो कि है DHCP ऑप्शन कोड जो कि है 150, और IP, और IP में जो मैंने एड्रेस आगे लिखा है वो है मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे का, यानी कि डिफ़ॉल्ट राउटर का। इसके बाद मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। अब ये आने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आप अपने ऑप्शंस के अपने कमांड्स के बाद आने के बाद यहाँ पे आप आपने लिखना है टेलीफोनी सर्विस को आपने ऑन करना है। तो उसको ऑन करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे टेलीफोनी और हाइफन और सर्विस। ये लिखने के बाद गाइस आपने एंटर प्रेस करना है तो आप टेलीफोनी के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओगे। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है मैक्स ईफोन्स। आपके पास कितने मैक्स ईफोन्स हैं, यहाँ पे कितने ईफोन्स हैं आप ये देख सकते हैं। तो मेरे पास ये, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अभी 3 ही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3। अब इन मैक्स ई फोन्स को मैं कितने डायलिंग नंबर देना चाहता हूँ, तो मैक्स डायलिंग नंबर, तो उनको भी मैं 3। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा IP सोर्स, सोर्स एड्रेस कि मेरे को जो ये सोर्स IP कहाँ से आए, तो जो IP एड्रेस मुझे इनके सिस्टम्स को मिले नीचे टेलीफोन्स को, उसका IP कहाँ से मिले, तो वो मेरा मिलना चाहिए राउटर से, और राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 20.0.0.1। उसके बाद मैं लिखूँगा पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000। तो आप लोग जैसे ही ये पोर्ट नंबर लिखेंगे इसके बाद इसको एंटर कर लेंगे। तो ये कंप्लीट कमांड है मेरी IP सोर्स 20.0.0.1 पोर्ट 2000। ये लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे लिखना है ऑटो असाइन। ऑटो असाइन मतलब कि अपने आप ही असाइन हो जाए इन्हें IP एड्रेस, और मतलब हमें मैनुअली जाके वहाँ पे कॉन्फ़िगर IP फोन्स को खुद ना कॉन्फ़िगर करना पड़े, इनको खुद ब खुद IP और नंबर्स मिल जाए। तो कितने फ़ोन से मेरे पास 3 हैं, तो मैं लिखूंगा 1 2, कितने फ़ोन है मेरे पास 3, तो 1 2 3। अगर आपके पास 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, अगर आपके पास 10 नहीं है तो आप यहाँ पे एज इट इज जितने आपके पास नंबर है सिर्फ उतने लिखेंगे। तो मेरे पास 3 है तो मैं 3 लिख के एंटर, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाना आपने, और यहाँ से आपने लिखना है ई फोन डायलिंग नंबर 1। तो जैसे ही आप ई फोन डायलिंग नंबर 1 प्रेस करेंगे तो आपका आएगा कि इंटरफेस ई फोन डायलिंग नंबर 1 हैज़ बीन चेंज स्टेट टू अप। अब इसके बाद आपका एक लाइन तो अप होगी, अब उसको चलो नंबर भी दे देते हैं। तो नंबर, मैं इसको नंबर यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है कि जो नंबर मैं अलॉटमेंट करूँगा यहाँ 101 है, और बाकी देख सकते हैं आप मैंने इसी तरह से सब में लिख रखा है 102 103, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ शिफ्ट ताकि आपको साइड बाई साइड दिखता रहिए। उसके बाद मैं इस कमांड को नंबर की जो कमांड है यहाँ पे दे देता हूँ, नंबर है मेरा 101। ये देने के बाद अब मेरे पास दूसरी नेक्स्ट है, अब मैं दूसरे टेलीफोन नंबर को दूंगा तो मैं लिखूँगा ई फोन डायलिंग नंबर 2। ये देने के बाद मेरा डायलिंग नंबर 2 भी अप हो गया, तो इसको भी नंबर देना है, तो नंबर 102।
ठीक है गाइस, इसी तरह से मेरा थर्ड है, थर्ड कौन सा है मेरा, ई फोन डायलिंग नंबर 3। तो ये भी मेरा आप हो गया। अब इसको भी नंबर दे दूंगा मैं, इसका नंबर होगा मेरा 103। अब ये देने के बाद मैंने यहाँ पे कर देना है एग्जिट। तो मैंने यहाँ पे नंबर दे दिए। अब मेरे यहाँ पे राउटर का काम हो गया ख़त्म। अब मैं आऊँगा स्विच में। स्विच पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनेबल मोड में जाऊँगा, उसके बाद कन्फिगर टर्मिनल, उसके बाद मैं लिखूँगा इंटरफेस रेंज। रेंज क्यों लिख रहे हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। FA 0 बाय 0 से लेके जितने मैक्सिमम यहाँ पे इंटरफेसेस हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे 24 हैं, तो ये FA 0 बाय 1 से लेके 24 रेंज मेरी है FA 0 बाय 1 से लेके 24। तो जितने भी ये मेरे फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं उनको मैं डालूँगा स्विच पोर्ट, वॉइस, स्विच पोर्ट, वॉइस, VLAN, जो बाई डिफ़ॉल्ट VLAN मेरी होती है जो ऑलरेडी कन्फिगर्ड होती है, यहाँ पे 1 है तो मैं इसको 1 में डाल देता हूँ। स्विच पोर्ट, वॉइस, VLAN 1। बस आपने जो स्विच पे कमांड्स हैं वो आपकी यही हैं। सबसे पहले मेरी थी इंटरफेस रेंज FA 0 बाय 1 से लेके 24, मतलब कि मैंने सारे के सारे पोर्ट्स ही इस वॉइस VLAN में डाल दिए। उसके बाद स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 1। अगर आप यहाँ पे सारे इंटरफेसेस को वॉइस VLAN 1 में नहीं डालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पोर्ट्स हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो पोर्ट्स है वो FA 02 है, ये देख सकते हैं आप, इधर वाला मेरा FA 03 है, इधर वाला मेरा 04 है, ये देख सकते हैं आप 04। तो ये 04 को आप इन तीनों को ही अलग अलग स्विच पोर्ट वॉइस VLAN में डाल सकते हैं। तो ये मेरी एक कमांड थी कि मैंने सारे एक साथ ही डाल दिए एक ही कमांड के अंदर। तो ये करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्विच को इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड को बंद कर देना। सेम एड्रेस मैं यहाँ पे राउटर को बंद कर देता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे नीचे के ये पोर्ट्स ऑन नहीं हुए IP फोन के। तो ये कौन कैसे होंगे, मैं अपने स्विच को ओपन करूँगा, ऑन करके मैं जो ये पीछे आप देख सकते हैं वाइप की पावर अडाप्टर मैंने नहीं लगाया तो इसको लगा देते। चलिए तो इसको जैसे लगाया वो देखिए यहाँ पे ऑरेंज हो गया। अब इसको यहाँ पे IP मिल जाएगा जैसे ये दोनों इंटरफेसेस ग्रीन होंगे। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो ये मैं अपना पावर केबल अपने फ़ोन के साथ लगा, तो ये भी ऑरेंज हो गया। तो चलिए दूसरी तरफ देखते हैं हम, जो मेरे पास लास्ट और फाइनल है। तो ये भी मेरा देखिए वहाँ पे रेड है और जैसे ही मैं लगाऊंगा तो वो ये ऑरेंज हो गया। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है इसको। तो यहाँ पे मेरी जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसको IP मिल चुका है। तो इसको चेक कैसे करना है, यहाँ पे इसको मिला 20.0.0.2, लाइन नंबर भी आप देख सकते हैं, गेटवे भी है। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, इसको मिला है 20.0.0.3 और लाइन नंबर 102। ये मैंने यहाँ पे गाइस नीचे पहले लिख रखा है कि जो जो इनको अलॉटमेंट होनी थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इनको चेक कैसे करना है, मेरे पास नंबर है 101, 102 और 103। तो इनको चेक कैसे करना है, मैं अपना 101 वाला फ़ोन ऑफ करता हूँ। इसको ऑफ करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे साइड कर देता ताकि हमें दोनों साइड दिखता रहे। तो यहाँ पे भी मैं अपना ये GUI मोड ऑन कर देता हूँ। ये मेरा 103 वाला फ़ोन है, आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपकी तरफ आपको ऊपर की तरफ नंबर भी दिख रहा होगा, ये देखिए 103, और ये मेरा जो फ़ोन है ये मेरा 101। तो दोनों आप देख सकते हैं। तो चलिए इनको कॉल करता हूँ मैं 101 से 103 में, मैं यहाँ पे नंबर डालूँगा 103। तो देखिए जैसे ही मैंने 103 डाला तो ये मेरी वॉइस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है और यहाँ पे ये रिंग होने लग गया, ये ब्लिंक होने लग गया, दैट मीन्स ये रिंग होने लग गया, यहाँ पे रिंग आउट आ रहा है। अब जैसे मैं इसको उठाऊंगा तो यहाँ पे दोनों साइड कनेक्टेड स्टेटस शो कर रहा है। तो गाइज आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आ गया हो कैसे आप वॉइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कोई भी अगर डाउट या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करें। थैंक यू सो मच।